अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादसी पैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी से छुटकारे का वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी का आगाज हुआ जाता है। BYD एक मल्टीनेशनल हाईटेक कंपनी है जो बेहतर जिंदगी के लिए तकनीकी जद्द से फायदा उठाने के लिए पुरअज़म है। रिचार्जेबल बैटरी बनाने वाली कंपनी के तौर पर 1995 में कायम होने वाली BYD अब चीन, अमेरिका, कैनेडा, जापान, ब्राज़ील, हंगरी और भारत में 30 से ज्यादा सनअती पार्कों के साथ ऑटोमोबाइल्स, रीट्रांसिट, नई तवनाई और इलेक्ट्रॉनिक्स का अहाता करते हुए एक मतनूई कारोबार भी दायरा रखती है। तवनाई के पैदावार और स्टोरेज से लेकर इसके इतलाक BYD तवनाई के सिफर अखराज हल फराहम करने के लिए कोशा है, जो फॉसिल ईंधन पर आलमी इन्हिसार को कम करता है। इसकी एनर्जी गाड़ियों के फैलाव अब 6 बड़े आजमों, 88 से ज्यादा ममालिक और खतों से 400 से ज्यादा शहरों का अहाता करता है। अब इसने पाकिस्तान के शहर लाहौर में एंट्री मारी है। चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बड़ी कंपनी BYD ने लाहौर एक्सपो सेंटर में अपनी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की 3 मॉडल्स मुतारिफ करवाते हुए पाकिस्तानी मार्केट में जदीद टेक्नोलॉजी के हमराह बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल होने का ऐलान किया। नाज़रीन, मुतारिफ करवाया कि गाड़ियों में BYD C-Line B, C-Line 6, BYD CL और BYD A23 शामिल है। कंपनी के एशिया पैसिफिक ऑटो सेल्स डिवीजन के जनरल मेजर ल्यू जोंग लॉन्ग ने तकरीब के दौरान बताया कि C-Line 6 गाड़ी एक चार्ज में 1100 किलोमीटर सफर तय कर सकती है, यानी लाहौर से कराची तक बआसानी एक चार्ज पहुंचाया जा सकता है। इनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर गाड़ी 3 बड़े शहरों की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दस्तयाब होगी, जबकि इसके मुकाबले में 20 से 25 डीलर्स होंगे। इनका मजीद कहना है कि पाकिस्तानी मार्केट में हमारी आमद का मकसद सिर्फ सार्फीन को जदीद गाड़ियां फराहम करने तक महदूद नहीं, बल्कि माहौलियाती जिम्मेदारी और तकनीकी जद्दत के वसी तर वर्जन को आगे बढ़ाना भी हमारा विजन है। हमें यकीन है कि हमारी न्यू एनर्जी गाड़ियां पाकिस्तान और दोनों ममालिक के साथ साफ सुथरे और खुशहाल मुस्तकबिल की तशकील में अहम किरदार अदा करेंगी। BYD ने पाकिस्तान में मुल्क की सबसे बड़ी यूटिलिटी पावर हब कंपनी लिमिटेड मेगा टोरस के साथ शराकतदारी के साथ न सिर्फ इन गाड़ियों को मुतारिफ करवाया, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जदीद फ्लैगशिप स्टोर्स और तजुर्बा मराकज कायम करने का इंदिया भी दिया। अगर हम इन गाड़ियों पर मुख्तसरन बात करें तो याद है कि BYD A23 एक चार्ज में 330 किलोमीटर तक सफरी सहूलियात देती है, जबकि इसमें 201 हॉर्स पावर, 315 न्यूटन मीटर टॉर्क और लिथियम आयन की बैटरियां दी गई हैं। ये गाड़ी महज 37 मिनट में चार्ज होने की सलाहियत की हामिल है। इसी तरह BYD C एक चार्ज में 425 किलोमीटर तक सफरी सहूलियात फराहम कर सकती है। इसमें 215 हॉर्स पावर, 330 न्यूटन मीटर टॉर्क और लिथियम आयन की बैटरियां दी गई हैं। ये गाड़ी महज 45 मिनट में चार्ज होने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा BYD Solution 6 में कंपनी की जानिब से 15 cc टर्बो चार्ज इंजन दिए गए हैं, जो कि 319 हॉर्स पावर और 550 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करने की सलाहियत रखती है। ये गाड़ी 0 से 100 तक महज 5.9 सेकंड में जाती है और ये गाड़ी सार्फिन को 1 लीटर में 17.24 किलोमीटर की एवरेज देती है। इस मौके पर जस्टो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कामरान का कहना था कि इस तारीखी सरमायाकारी में इन कंपनी ने पाकिस्तान का NEV असेंबली प्लांट कायम कर दिया है, जो पाकिस्तान की BYD की नई तवनाई गाड़ी तैयार करने के लिए एक CKD सहूलत है और प्लांट 2026 में काम शुरू कर देगा। कामरान कमाल का कहना है कि पाकिस्तान के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बड़े शहरों, मोटरवेज और हाईवेज पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बात करना एक फैशन बन गया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में इन गाड़ियों के हवाले से सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास गाड़ी तो है मगर चार्जिंग नेटवर्क नहीं। इनका कहना था कि हबको भी एक चार्जिंग नेटवर्क बना रहा है, जिसकी वजह से लोगों में इस गाड़ी को कबूल करना आसान हो जाएगा। BYD ने सबसे पहले मार्च 2024 में पाकिस्तानी मार्केट में अपना बाजाबता ऐलान किया था और इसकी हालिया तकरीबी रोनुमाई का बड़ा मकसद ब्रांड और बुनियादी न्यू एनर्जी व्हीकल टेक्नोलॉजीज को पेश करना है, जो BYD मकामी मार्केट में मुतारिफ करवाएगी। तकरीब में पेश किए जाने वाली 3 गाड़ियों के मॉडल्स नई एनर्जी व्हीकल टेक्नोलॉजी कंपनी की जिद्दत अंगेजी की नुमाइंदगी करते हैं, जिसमें हर मॉडल को बेहतरीन कारकर्दगी, जदीद सहूलियात, जदीद खसूसियात और सरसब्ज मुस्तकबिल के अज़्म के जरिए पाकिस्तानी सार्फीन के मतनू जरूरियात की तकमील के लिए डिजाइन किया गया। कंपनी का कहना है कि हमारा हदफ दुनिया के सबसे बड़े न्यू एनर्जी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स
BYD के साथ मिलकर इस बड़ी तब्दीली की क्यादत कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानियों के सफर के तरीकेकार की तब्दीली है, जहां वो गाड़ियां चलाते हैं। इन्हें कहां चार्ज करना है और यूं चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं कहां से आएगी। इस तकरीब में कुछ शरीर और दिलचस्प चीजें भी पेश की गई हैं। नुमाइश में इंटरेक्टिव सरगर्मियाँ और तजारती जोन जैसे चार्जिंग जोन शामिल थे, जो एक इंटरेक्टिव कैलकुलेटर पेश करते हैं, जिसमें BYD की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी बासहूलत रेंज की मालूमात फराहम करती है। सस्टेनेबिलिटी जोन में BYD की तरफ से जमीन को 1 डिग्री तक ठंडा करने और पाकिस्तान के पायदार मुस्तकबिल को फरोग देने के लिए विजन को उजागर किया गया। टेक जोन में BYD के ई प्लेटफॉर्म 3.0 ब्लेड बैटरी के तकनीकी किरदार के बारे में हकायक सामने लाए गए हैं। नाज़रीन, ये हकीकत आखिरकार आश्कार हो चुकी है कि चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करके सबको हैरान कर दिया है। मुल्क में खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शौकीन अफराद को नया ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें आसमान से बातें करी हुई है, वहीं तो दूसरी तरफ कार सेल्स रिकॉर्ड ड्राउट का शिकार है। गाड़ियों के सड़कों के मुश्किल का सामना है, इस बात का अंदाजा सी बात से लगाया जा सकते हैं कि 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में गुजशत 8 मार्च के दौरान 50,000 से भी कम नई गाड़ियाँ फरोख हुई, जिनमें सार्फिन की कुवत खरीद में एक बड़ी कमी जाहिर होती है। पाकिस्तान खसूसी सरमायाकारी काउंसिल के मुताबिक BYD ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की दिलचस्पी जाहिर की। सरकारी सतह पर जारी किए जाने वाले बयान के मुताबिक ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आए जब पाकिस्तान अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और माहौल दोस्त इकदाम के लिए कोशा है। ये एक अहम कामयाबी है। BYD अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में मुकामी तौर पर तैयार करेगा, जिसमें मुल्क राइट हैंड गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करेगा। BYD चीन और दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। ये कहना गलत ना होगा कि इन मार्केट में एक तरफ की इशारादारी है, खासतौर पर इलेक्ट्रिक बसों में, चाहे वो अमेरिका, जनूबी अमेरिका या यूरोप हो। एक ऐसी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी करना खुश आइंद होगा जिसके पास जदीद बैटरी टेक्नोलॉजी हो। BYD इन कम कीमतों पर गाड़ियाँ बेचने के काबिल हुए हैं, जो दूसरी कंपनियों के लिए मुमकिन ना होता। BYD के बाद इलेक्ट्रिक कारें चीन के बाहर भी काफी मकबूल हैं। पाकिस्तान में अब तक जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं, वो सभी यूज हैं, और मकामी सतह पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कायम ही नहीं हुआ कि हम बैटरी सिस्टम या चार्जिंग यूनिट बना सके। BYD को इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, मगर इसका चीन में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें वह बैटरी असेंबली पार्ट्स और गाड़ियां सब खुद ही बना रही हैं। पाकिस्तान में इसे वैसे ही वसाइल लाने होंगे। नाज़रीन, आप पाकिस्तान में इस कंपनी की आमद और गाड़ियों के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना हर किस्मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली इस तरह की हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।